प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े इसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टू काका, ये क्या है? धंधा बहुत मंदा चल रहा है, पिछले 10 दिन में सिर्फ एक ही LCD बिका, वो भी उधारी में। देखिए सेठ जी, व्यापार, शेयर बाजार, पति पत्नी के संबंध, इन सब चीजों में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी मन खुश होता है तो कभी दुखी, निराश मत हो। कर्म ने वादी कर दे, मां भले तू कदाचन, अर्थात हे मनुष्य तू कर्म किए जा, फल की आशा मत कर, फल ऊपर वाला देगा। वाह संत नटेश्वर महाराज, आज आपने तो मेरी आंखें खोल दी। फिर आज के बाद मैं आपको कभी पगार नहीं दूंगा। क्या? क्यों? अभी आपने प्रवचन दिया ना, कर्म किए जा फल ऊपर वाला देगा, तो अभी आप घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कर्म किए जाओ, पगार ऊपर वाला दे देगा। नॉट एट ऑल, दिस इज नॉट फेयर। कृपया हिंदी भाषा का प्रयोग करें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ओके ओके, आई एक्सप्लेन यू। अभी 2020 टूर्नामेंट का सीजन चल रहा था तो LCD ज्यादा बिके, गर्मी के दिन चल रहे थे तो AC ज्यादा बिके, अब मैच और गर्मी खत्म हो गए तो बारिश का सीजन शुरू होगा, पर बारिश के सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तो कम ही बिकेगी ना, तो जाहिर सी बात है कि धंधा मंदा ही चलेगा ना। अच्छा, तो बारिश के सीजन में हम लोग क्या करें, दुकान बंद करके गांव चले जाए? नहीं 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 सेठ जी, हम बरसात के मौसम में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बंद करके गर्मा गर्म चाय, बटाटा वड़ा, भजिया, बरसाती जूते, छाता, रेनकोट, ये सब चीजें बेचना शुरू कर दें तो। गड़ा, छाता और भजिया हाउस। वेरी गुड सर, तो मैं पेंटर को बोर्ड बनाने के लिए बोल दूं? डटो काका। मजाक कर रहा हूँ सेठ जी, जस्ट किडिंग, टेंशन रिमूविंग प्रोसेस। वैसे सेठ जी, ये मंदी में काम आए हैं ऐसा मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। अभी कोई आइडिया नहीं सुनना नटू काका, प्लीज। थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि, अरे जस्ट लिसन मी सेठ जी, मैं ये कह रहा था सेठ जी कि अभी जरा मंदी चल रही है तो आप कहीं बाहर गाँव पूरी फैमिली के साथ घूम के आइए, या फिर मुझे जाने दीजिए। हाँ नटू काका, आपका आइडिया अच्छा है। वैसे भी दया और टप्पू अक्सर कहते रहते हैं चलो ना कहीं घूमने जाते हैं, अभी क्या सीजन के टाइम में तो दुकान छोड़ कर जा नहीं सकते, लेकिन अभी धंधा थोड़ा मंदा है तो बारह गांव का प्रोग्राम बना सकते हैं। आज ही सभी को पूछता हूँ। मेरी हाँ है सेठ जी। हाँ हाँ, आप दुकान संभालेंगे तभी तो हम जा पाएंगे ना। आज ही सोडा शॉप पे सोसाइटी वालों को पूछता हूँ। अरे भाई अभी तो सुनो, मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सुना जेठा प्रा, और लगता है कोई खास जोक सुना रहे हो। अरे भाई कोई जोक नहीं सुना रहा हूँ मैं। हाँ नहीं नहीं जेठा भाई, कोई नई खाने पीने की डिश के बारे में बताने जा रहे हैं। बताइए बताइए। आप ज्योतिष है? नहीं। तो फिर क्यों भविष्यवाणी कर रहे हैं मैं क्या बताने वाला हूँ? अरे भाई मैं इधर मर रहा हूँ बताने के लिए, मुझे बताने दो प्लीज। सॉरी सॉरी। तो जेठालाल बोलो, क्या बोलना चाहते हो? अरे बोलो जेठालाल, बोलना कैंसिल क्यों कर दिया?
अरे भाई तुम लोग बोलने का मौका दोगे तब बोलेगा ना अगला। हाँ मैं वही समझा रहा हूँ जेठा साहब, बोलो बोलो। अभी भाई बीच में किसी का बोलना बाकी है तो बोल लो, बाद में बोलता हूँ मैं, बाकी है। जेठा भाई मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप ही बोलिए। आत्माराम का बोलना बाकी, आत्माराम बोल। आश मुझे कुछ नहीं बोलना है यार। जेठालाल बोलो। जेठालाल गया, वो गया, बोलो 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 बोलो। मुझे एक आइडिया आया है। मतलब विचार? नहीं, विचार तुम्हारा दिमाग में आता है, मेरा दिमाग में आइडिया आता है। हाँ तो क्या आइडिया आया बताओ। आइडिया ये आया है कि अभी वेकेशन खत्म होने को आ रहे हैं तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम फैमिली और बच्चों के साथ कहीं बाहर गांव घूमने चले। कैंसल भाई ये आइडिया, कैंसल। मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है ना। चुप पड़ जा, ये पूरी गोकुल नाम सोसाइटी तुम्हारी फैमिली नहीं है। सॉरी सॉरी दोस्तों सॉरी। तो बोलो बोलो दोस्तों क्या बोलते हो। नहीं नहीं आइडिया बहुत बढ़िया है जेठालाल, लेकिन तुम खुद अपने बिजनेस से टाइम निकाल पाओगे वेकेशन पे जाने के लिए? अभी धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है ना, ऑफ सीजन है इसीलिए। अच्छा अच्छा, इसमें भी स्वार्थ है जेठालाल तुम्हारा। आत्माराम जेठालाल बिजनेसमैन आदमी है। कैंसल भाई ये आइडिया कैंसल। क्या कैंसल पोपटलाल? और तुम कैसी बातें कर रहे हो भेड़े? क्या जेठालाल स्वार्थी है? अगर स्वार्थी होता तो अकेले अपने परिवार के साथ वेकेशन पे जा सकता था तो? लेकिन हम सबसे पूछ रहा है, ही बिलीव्स इन टुगेदरनेस, मतलब मिलजुल के आनंद उठाने में यकीन रखते हो। हाँ परिवार भावना है मुझ में। हाँ सही बात है। अरे कुछ भी कहो, हमारे पतियों को परिवार की बिल्कुल फिक्र नहीं होती। बराबर कहो कोमल भाभी, रात हुई नहीं कि पीने बैठ जाते हैं सोडा और अब्दुल साहब की दुकान पे जाके दुनिया भर की चिंता करते हुए तड़का मारेंगे। निनाबाद की चर्चा करने में कितना उत्साह है। टड्डन साची बात है, हमारे बच्चे लोग का रिजल्ट पूछो तो वो तो मालूम नहीं रहेगा, लेकिन सचिन और धोनी ने कब कितनी सेंचुरी बनाई है वो सब कुछ याद रहेगा। आई स्वेयर इट, लेटेस्ट रिसर्च और टेक्नोलॉजी के बारे में अय्यर को हर एक चीज पता होती है, पर अगर बाहर जाते वक्त मैंने उससे एक सिंपल सा सवाल पूछ लिया कि अय्यर मैं कौन सा ड्रेस पहनू, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। बिल्कुल तारक की तरह। आपको पता है तारक को पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस के नाम याद रहते हैं, पर मेरे रिश्तेदारों के नाम पूछो तो उनको एक आध भी याद ठीक से नहीं रहता। हमारे पतियों को ना उनकी मौज मजे से ही मतलब है। हम लोग पूरा दिन कितना काम करके थक जाते हैं तो हमारी खुशी किसमें है वो कुछ सोचते ही नहीं। क्या बात है जेठा, तुमने बातों ही बातों में परिवार के साथ घूमने की बहुत बड़ी बात कर दी। हम सब की पत्नियां हमारे लिए कितना काम करती है, और सबसे बड़ी बात के कोई शिकायत नहीं करती। हमारी फरियाद तो छोड़ो, आखी वेकेशन गुजर गई पर बच्चे लोगों को किड्डर भी घुमाने नहीं ले गए। वो है सो सैड। दादाजी मम्मी और आंटी कह रहे कि पापा को हमें कहीं घुमाने ले जाना चाहिए। हाँ ये तो है कबूला, ये तुम लोगों का वेकेशन खत्म हो जाए उससे पहले कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो होना ही चाहिए। ओ यारो, ओ मैंनू तो जेठा परा का आइडिया पसंद आ गया, ओ उन सबको घुमाने ले जाते हैं। पर क्या हमारे पति मान जाएंगे? हम चने चबाएंगे, मतलब सोने के चने चबाएंगे। लोहे के, लोहे के। हाँ वो लोहे के चने चबाना जितना मुश्किल है लेकिन हम कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बराबर। अभी सवाल ये है कि घूमने कहाँ जाए? इनसे कहेंगे ना तो ये पास वाले गार्डन में घुमाने ले जाएंगे। मुझे तो लगता है हमें ही कुछ प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ओ यारो आस पास नहीं कहीं दूर चलते हैं। मैं क्या कहता हूँ पूरा पंजाब घूमने चलते हैं। नहीं 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 गोवा चलते, स्विमिंग करेंगे वहाँ पर। अच्छा माथेरन कैसा है?
तो फिर अहमदाबाद चलो भाई, दया अपनी माँ से मिलकर खुश हो जाएगी। मैं कहता हूँ कोलकाता चलते, बबीता अपनी माँ से मिलकर बात खुश होगी। फिक्स, कोलकाता जाते हैं, चलो। नहीं, हम लोग घूमने किसके लिए जा रहे हैं? टपू सेना के लिए। एग्जैक्टली, तो फिर हम यहाँ जगह ढूंढने का परिश्रम क्यों कर रहे हैं? टपू सेना से चल के पूछ लेते ना कहाँ जाना है। सही बात है। हाँ जाइए जाइए, मुझे जरूर बताना। कहाँ जाए जरूर बताना मुझे। आज तो किसी भी हालत में ना हम अपने अपने पतियों को मना के ही रहेंगे। हाँ, और बापूजी हमारे साथ ही है, अगर वो कहेंगे ना तो पति लोग जरूर मान जाएंगे। दादाजी आप प्लीज हमें सपोर्ट करो ना। अरे टपुड़ा, उसमें पूछने की क्या बात है, मैं तो तुम लोग के साथ ही हूँ। टपू से ना हम लोग एक काम करे, तो इधर 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 हम लोगों को तो बताओ। सुनो सुनो, दुकान पे जाके फैसला कर ही लेते हैं। हाँ। चलो चलो चलो। ये लोग तो ऐसे चल के आ रहे हो मानो जंग लड़ने जा रहे हो। इनके इरादे देख के तो ये लग रहा है जेठालाल के कहीं हम पे ही धावा ना बोल दे। क्यों, हमने किया क्या है? ये क्या किया है भाई, पहले मुझे ये बता कि पूरा वेकेशन चला गया, तुम लोगों ने टपू सेना के लिए क्या किया? चाचा जी तुसी कमाल करते हो, ओ आज सुबह ही मैं बच्चों को क्रिकेट ग्राउंड में ले जाके पूरा क्रिकेट खिला के लाया जी। तो क्या एहसान किया? नहीं जी। बापू जी, हम लोगों ने अभी एक प्रोग्राम बनाया है बाहर गाँव घूमने जाने का। बोल रहा हूँ ना मैं, बाहर घूमने के लिए जाने वाले हैं तो मजा आ जाएगा। टप्पू के पापा, मैं सुंदर वीरा को कह देती हूँ। हाँ हाँ, उसको कह दे कि उसको नहीं आना है, मतलब वो उधर बिजी होगा, क्यों खामखा परेशान कर रही है उसको। अरे पहले इधर अपना तो तय हो जाने दे। वैसे किधर घूमने जाना है रोशन? और रोशन मेरी जान, और टप्पू से ना जहाँ तय करेगी वहाँ चलेंगे। अच्छा तो टप्पू से ना बोलो कहाँ जाना है। अगर घूमने जाना ही है तो 2 हफ्ते के लिए जाते हैं। दो हफ्ते? नहीं 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 टप्पू, 2 हफ्ते नहीं जा सकते हैं भाई। इतना लंबा छुट्टी नहीं मिलेगा। और अगले तो तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है ना। हाँ बेटा, अभी 4-5 दिन का प्रोग्राम सोचो ना। अरे हाथी अंकल, 4-5 दिन में क्या होगा, 2 दिन आने जाने में लगेंगे और 2 दिन में क्या मजा आएगा हाथी अंकल। टप्पू, अगर 2 हफ्ते वेकेशन पे जाना है तो जाएंगे, लेकिन अगली छुट्टियों में। ठीक है तो अगली वेकेशन में चलते हैं। बराबर बेटा। अरे नहीं टप्पू, अभी 2-4 दिन घूमने चलते हैं ना। तो तू घूमने जाना ही नहीं है। दादाजी हमारा प्रोग्राम बता दूं? बता दे। ओहो भाइयो, लगता है इनका प्रोग्राम पहले से ही कुछ फिक्स है। मतलब जरूर कोई भारी प्रोग्राम होगा। अगर भारी है तो वजन कितना? छोड़ी। अरे भाई प्रोग्राम कोई भी हो, लेकिन इन लोगों के तेवर देख के तो लग रहा है कि प्रोग्राम मानना ही पड़ेगा। हाँ भाई, सब लोग हाँ बोल दो, ना बोलोगे तो ये हमारी पूरी दुनिया हिला देंगे। वाह वाह पोपट भौजी, सही कहा आपने। हाँ। टप्पू बेटा बोलो क्या प्रोग्राम है। हाँ तो प्रोग्राम ऐसा है, GKM। GKM क्या है भाई? GKM यानी गोकुलधाम खेल महोत्सव। ओहो, गोकुलधाम खेल महोत्सव। हाँ।
यानी कि गोकुलधाम में शानदार शानदार खेल होंगे भैया, तो कमाल हो जाएगा। अरे मजा आ जाएगा। सही बात है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो भाई कैंसल। अरे ये डिब्बे क्या कैंसल? अरे चाचा जी, वो बाहर जाने का प्रोग्राम, खेल महोत्सव नहीं। एक मिनट, खेल महोत्सव का आयोजन मतलब खर्चा वो कौन करेगा? सोसाइटी फंड। और कौन? जेठाला, सोसाइटी में कोई फंड नहीं है। ओ पिड़ू, हमेशा खर्चे का रोना ही तो होता रहता है। यहाँ पे देख, सब लोगों के चेहरे में कितनी रौनक है, कितनी खुशी है यार। फंड खत्म होने पर हम सब है ना, आपस में मिलकर फंड जमा कर लेंगे। और क्या? अभी बारिश के सीजन में बहुत सारे पेशेंट आएंगे हाथी भाई के पास। जय सात माराम, गोकुलधाम खेल महोत्सव होने दो। एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ कि हमारे इस GKM में कौन कौन से खेल होंगे? अंजलि आंटी, जब GKM शुरू होगा तब आपको पता चल जाएगा। अरे लेकिन टप्पू, कुछ हिंट तो दो ताकि हमको प्रैक्टिस करने का पता चल सके। अरे चुस्ती, स्फूर्ति और बल के खेल होंगे, ओलंपिक जैसे गेम होंगे। वाह क्या बात है, लेकिन भाई तुम्हारे GKM होगा कब? कल से, कल और परसों रात को, कहीं ना हुआ ऐसा धमाकेदार गोकुलधाम खेल महोत्सव होगा। क्या बात, ओहो मतलब दो दिन? दो दिन नहीं, दो रात। किसके घोड़े? अरे एक बार ये गोकुलधाम खेल महोत्सव शुरू तो होने दो, दो रात भी कम लगेगी। हाँ, और जीतने वाले खिलाड़ी को मेडल और अवार्ड दिया जाएगा। क्या बात, और टप्पू पुत्र, और गेम शुरू तो होने दे, और सारे इनाम और मेडल तो मैं ही जीतूंगा। अरे भाई सोड़ी, हम भी हैं मैदान में, तो आजा फिर मैदान में। अरे मैं भी कॉलेज में स्पोर्ट चैंपियन था। आइए मैं स्कूल से ही चैंपियन हूँ। बातों के महारथी, यहाँ अपना जोश मत दिखाओ, वहाँ खेल के मैदान में जोश दिखाना। हाँ, फिर देखते हैं किसके जीत का बिगुल बजता है। हाँ। और किसके हार की पिपुड़ी बजती है। सही बात है। ओके ओके, लेकिन ये खेल महोत्सव में जज कौन होगा? वो तो मुझ पे छोड़ दो। बापूजी आप जज बनने वाले? अरे नहीं बाबू जी, मैं भी खेल महोत्सव में हिस्सा लूंगा। इस उम्र में भी ये जोश, क्या बात है भाई, इनसे तो प्रेरणा लेनी चाहिए। ए? अरे चाचा जी, आप हमारे साथ खेलोगे तो टप्पल मचा देगा। अरे मजा वजा तो जरूर आएगा, लेकिन एक बात याद रखो, चाचा जी खेल रहे हैं तो भाई जीतने में हम सबको बहुत जोर लगाना पड़ेगा फिर। तो फिर जज कौन बनेगा? अरे उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं जज बुला लूंगा। किधर से बुलाएंगे बापू जी? अरे वो कल आएंगे तब देख लेना। और हाँ, जो जज आएंगे वो निष्पक्ष होंगे। चलिए भाई, फिर तो बिल्कुल चिंता खत्म हो गई, चाचा जी ने जिम्मा ले लिया, तो अब खेल बहुत निष्पक्ष होने वाले। यस। हाँ लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि एक दिन में इतने बड़े खेल महोत्सव की तैयारियाँ हो जाएगी। सभी खेलों में बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले को गोकुलधाम खेल रत्न का अवार्ड दिया जाएगा। तो आप सभी गोकुलधाम खेल रत्न का अवार्ड पाने, और GKM यानी गोकुलधाम खेल महोत्सव में आप सब हर गेम जीतने के लिए तैयार हो? तैयार थे जो तो कल रात को होगा गोकुलधाम खेल महोत्सव। गोकुलधाम में GKM यानी कि गोकुलधाम खेल महोत्सव की घोषणा, और खेल महोत्सव की घोषणा मतलब हंगामे का प्रारंभ। भाई गोकुलधाम खेल महोत्सव में कौन कौन से खेल होंगे ये तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होगा होगा धमाल के साथ। भाई गोकुलधाम में एक स्कीम पूरे साल चलती रहती है, नॉर्मल चीजों के साथ हंगामे फ्री, तो अब जब गेम्स होंगे, खेल होंगे, तो भाई क्या क्या होने वाला है? भाई बहुत कमाल के खेल होने वाले हैं यहाँ पे, और बहुत हंगामे भी होंगे। हमारी और आपकी जिंदगी में इन दिनों खेलों का महत्व शायद कम होता जा रहा है, जैसे हमें समय मिलता है हम किसी
रिजॉर्ट में चले जाते हैं, हम स्पा में चले जाते हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन दौड़ भाग नहीं करना चाहते, सब खेल नहीं खेलना चाहते। आपकी जेब में जितने क्रेडिट कार्ड है ना, सब 2-4-5 तो होंगे, बस इतने से खेल खेल लीजिए, फिर देखिए आपकी जिंदगी में खुशियों का बैलेंस किस कदर बढ़ता चला जाता है। अब सोचिए कौन कौन से खेल होंगे, कितने हंगामे होंगे, कितना धमाल होगा। भाई आपकी मस्ती के लिए हमने इंतजाम किया है इतने सारे और ऐसे ऐसे खेलों का, जिन्हें देख के आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। बस सोचते रहिए क्या होने वाला है गोकुल धाम खेल महोत्सव में। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वैसे टप्पू, आप तो ना गोकुल धाम खेल महोत्सव की बात करके बचपन याद दिला दिया। बचपन में गांव में मैं हर खेल में हिस्सा लेता था। हाँ, जेठा का भी हर खेल में रिकॉर्ड था। ओहो, टप्पू के पापा आप हर खेल में फर्स्ट आते थे? हाँ, पीछे से। हर खेल में आखिरी रहता था। बापूजी तभी मैं छोटा था। हाँ, अब मोटा है। फिर भी देखना कल का महोत्सव में मैं ही जीतूंगा। एक मिनट जरा आपको याद दिला दूं, कल खेल में बापूजी, टप्पू, मैं और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी भी है। हाँ तो होने दो, तभी तो हराने का मजा आएगा ना। है मतलब बापूजी मुकाबला ऐसा जोरदार होगा, ऐसा कहना चाहता हूँ। वैसे बापूजी जज किसे ला रहे हैं आप? ए भाई, तुझे 2 बार नीचे बोला तो सही कि कल पता चल जाएगा कि जज कौन है। तुझे क्या हो क्या गया है? तू क्या गजनी हो गया है जो हर 5 मिनट में सब भूल जाता है? जज कौन है, जज कौन है? तू क्या जज को पैसे खिला के जीतने वाला है? अरे नहीं नहीं बापूजी, तो बार बार पूछ क्यों रहे? जस्ट ऐसे ही, वो जर्नल सामान्य ज्ञान। वैसे एक बात बोलनी पड़ेगी बापूजी। क्या? आज टप्पू ने मुझे खुश कर दिया। टप्पू बेटा, आज तुम्हारे पापा बहुत खुश है, जो भी मांगना हो वो मांग ले। एक काम कर, हीरे का हार मांग ले। अरे टप्पू हीरो के हार का क्या करेगा? वो अपनी मम्मी को पहनेगा। फिर जब टप्पू की शादी होगी तो टप्पू की मम्मी अपनी बहू को पहनाएगी। बापू जी, माँ बाप खुश हो तो बच्चों को कुछ देना ही चाहिए, ऐसा कोई रिवाज है? हाँ है। मांग टप्पू हीरे का हार, मांग। वीडियो गेम ला के दूंगा। ओके। अच्छा उदास मत हो, कल के खेल महोत्सव में अगर तू किसी भी 5 गेम में जीतेगी तो मैं तुझे भी दूंगा। बस हीरे का हार, कोई अच्छी गिफ्ट ला के दूंगा। लेकिन अगर जीतेगी तो टप्पू के पापा देखिए, आप मेरी फिकर मत कीजिए। बापूजी मैं और सुंदर वीरा हमारी पोल में हर गेम में फर्स्ट आते थे। और टप्पू के पापा मानोगे नहीं, हम लोग बस बॉल भी जीत जाते थे। बस बॉल? हाँ। बस का बॉल बना के खेलते थे तुम लोग? बस बॉल नहीं पापा, बेसबॉल। बेसबॉल ये अमेरिकन गेम है। ये कुछ कुछ क्रिकेट जैसा है, और इसका जो बैट होता है ना वो लंबी नौकी जैसा होता है, और उसमें बॉल ऐसे थ्रो करते हैं, और रन लेने के लिए ऐसे 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 चौरस में दौड़ना होता है। अच्छा वो तो टीवी पर 2-3 बार देखा है मैंने, लेकिन कभी कुछ समझ में नहीं आया। एक मिनट, वो खेल तुम दोनों अहमदाबाद में खेलते थे? वो क्या है, अमेरिका से मेरी माँ के मामा के बेटे की बेटी आई थी तो उसने हमें ये सिखाया था, तो हम गली में वो खेलते थे। बोलो बापूजी, अमेरिका का खेल ये दोनों अहमदाबाद की गली में खेलते थे, लेकिन उसमें तो चौरस दौड़ने का होता है ना, तो गली तो सांकड़ी होती है ऐसे लंबी, उसमें चौरस किधर आया? देखिए पोल में एक गली थोड़ी ना होती है, हम 4 गलियों को मिला के खेलते हैं। एक गली ऐसे जाती थी, एक गली ऐसे जाती थी, एक गली ऐसे जाती थी, और एक गली ऐसे जाती थी, तो हो गए ना चौरस। और बीच में जो बिल्डिंग होते हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो तो वही रहते थे। बीच में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, भागना तो चौरस ही है ना। नहीं, दौड़ना चौरस है। चौरस यार।
ये सब छोड़, कल सोसाइटी कंपाउंड में जो खेल महोत्सव होने वाला है उसकी तैयारी कर। बापूजी तैयारी कैसे करूँ, टप्पू ने बताया किधर कल कौन सी गेम है। बेटा अरे पापा दादाजी ने कहा तो सही, चुस्ती स्फूर्ति और बल की गेम्स होगी। हाँ ठीक है, चुस्ती स्फूर्ति और बल तीनों है मेरे में, तीनों को लेकर कल मैं मैदान में उतरूंगा और मेडल लेने के लिए पायदान पे चढ़ूंगा। कल का दिन उत्साह उमंग का दिन। भाई मना नहीं करता तो क्या आगे बिल्डिंग में घुसर देते। अरे भाई आपकी जगह पे रुकूंगा, आप क्यों परेशान कर रहे यार। भाई रुको बड़ा देता हूँ अभी, जरा जल्दी देना। हाँ भाई आ गया गोकुल धाम में। क्या करूँ, बड़ा लेने के लिए खुद ऊपर जाऊँ या जीजाजी को ही बाहर बुला लूँ। काम करता हूँ, जीजा जी को एक बार बुला लेता हूँ। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यम। सुंदर तू, हाँ मैं, तू यहाँ कैसे, कैसे? जीजा जी आपने क्या कर दिया, ये मेरा पूरा पर्स गीला कर दिया आपने। अरे रे सारी नोटे गीली कर दी आपने। नोटे तो ठीक है, हे भगवान ये भी गया काम से। कौन है वो? अरे एक पार्टी से बड़ी मुश्किल से 20,000 रुपए का चेक निकलवाया था, वो चेक आपने गीला कर दिया। जीजा जी अगर ये चेक बैंक में नहीं चला तो मैं आपसे 20,000 रुपए लूंगा। कौन सी पार्टी ने तुझे क्यों चेक दिया, क्या बेचा तूने पार्टी को? आइडिया। अरे भाई पैसे तो दो आप। सभी नोट गिली है दू? अरे गिली नोट नहीं चलती भाई साहब, मुझे फ्रेश नोट दो ना, फ्रेश नोट दो ना, गिली नोट कोई चलती क्या भाई, क्या कर रहे हो आप? जीजा जी गिली नोट लेने से मना कर रहा है। मैं समझाता हूँ। अरे ओ भाई ले लो, ओ भाई साहब। अरे जीजा जी क्या कर दिया आपने, परसों से आप मेरी टैक्सी का भाड़ा दे रहे हो। आज मैंने सोचा कि चलो मैं खुद टैक्सी का भाड़ा दे देता हूँ और ये रिवाज तोड़ देता हूँ, पर आपने मेरी इच्छा पे पानी फेर दिया। जीजा जी लगता है कि मेरी टैक्सी का भाड़ा देना आपके नसीब में ही लिखा है। अभी एक काम करो, 6,000 रुपए निकल के रखो, मैं ऊपर आके ले जाता हूँ, तब तक ये रखो। हाँ भाई मैं अभी भाड़ा भिजवाता हूँ। हाँ हाँ भाई भिजवाता हूँ भाई। अरे रे पूरा पर्स गीला कर दिया। हे सूरत दादा, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, कभी मैंने आपसे कोई प्रसाद मांगा नहीं ना, तो फिर आज बिना मांगे ये प्रसाद यहाँ क्यों भेज दिया? आ गया भाई, पहला को बापू जी जूतर है, जूतर है। आओ बेस मैं आता हूँ। जीजा जी वो इंतजार कर रहा है नीचे। कौन वीरा? वो टैक्सी वाला बेना। बेना मैं टैक्सी का भाड़ा दे ही रहा था, तभी माय डियर जीजा जी ने मेरा पर्स में पानी डाल दिया और मेरे सारी नोटे गीली कर दी। ऐसा क्यों किया आपने? अरे जानबूझ के थोड़ी किया है, मैं तो सूर्य देव को जल अर्पण कर रहा था, मुझे क्या पता है नीचे खड़ा है। वो जो भी हुआ अभी टैक्सी का भाड़ा तो देना पड़ेगा ना। वीरा तू फिक्र मत कर, तुम्हारे जीजा जी है ना वो अभी दे देंगे, फिर तुम उन्हें लौटा देना। हाँ बेना जीजा जी बाद में सब देख लेंगे। माय डियर जीजा जी जरा जल्दी करो,
फिर वो टैक्सी वाला वेटिंग चार्ज भी लेगा। हाँ हाँ भाई दे रहा हूँ। जीजा जी पता है भाई हर बार का फिक्स है ना 6,000? नहीं इस बार से 6,500 रुपए। क्यों? पेट्रोल का भाव बढ़ गया ना। हाँ तो बराबर है, भाव बढ़ गया तो। तू तो डीजल गाड़ी में आया। माय डियर जीजा जी पेट्रोल डीजल रंधन गैस सबका भाव बढ़ गया। आप न्यूज पेपर नहीं पढ़ते हो? ये ले टप्पू, जा जा के नीचे देख क्या। टप्पू बेटा नीचे टैक्सी ड्राइवर भाई को कहना कि चाय नाश्ता करने के लिए घर पे आ जाए। तो बेटा वो नाया पे नहीं होगा, बोलना ऊपर आकर ना पी ले। हाँ। हाँ? क्या? अरे वो चाय नाश्ता रास्ते में कर लेगा, ये 6,500 रुपए दिए ना उसमें से आ जाएगा चाय नाश्ता। जा पा जा तो खाली भाड़ा दे के आ जा। थैंक यू माय डियर जीजा जी, बस अहमदाबाद पहुंचते ही आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि चेहरे पे दाढ़ी और सर पे उतारी सुंदर ज्यादा देर तक रहने ही नहीं देता, इसलिए अहमदाबाद पहुंचते ही 6,500 रुपए मैं आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दूंगा। नहीं नहीं भाई अहमदाबाद जाके क्यों? तू वो गिल्ली नोट मुझे दे दे, मैं खुद अपने अकाउंट में जमा कर दूंगा। नहीं नहीं मैं आपको गिल्ली नोट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको गिल्ली नोट दूंगा और वो फट जाएगी तो आप मेरी बहना को ताना मारोगे। नहीं नहीं भाई मैं कभी ताना मारता ही नहीं हूँ। नहीं नहीं आप ताना मारते हो अभी कभी। इसीलिए मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से आप मेरी बहना को ताना मारो। माय डियर जीजा जी अहमदाबाद पहुँचते ही मैं आपके बैंक अकाउंट में 6,500 रुपए जमा करवा दूंगा। हमेशा की तरह। क्या? कुछ नहीं भाई। अच्छा ये तो बता तू सुबह सुबह यहाँ क्यों आया है? टप्पू ने बुलाया। क्यों? GKM गोकुलधाम खेल महोत्सव का आयोजन कर रहे, मामा ये सब काम में माहिर है, इसीलिए टप्पू सेना की हेल्प करने के लिए टप्पू ने मामू को यहाँ पर बुलाया। देखा मेरा वीरा भांजी की मदद करने के लिए एक फोन पर सारे काम छोड़ कर आ गया। हाँ मामा वो तो है। सारे काम? कौन सा काम? क्या? कुछ नहीं। अरे बेटा टप्पू तुझे मदद की जरूरत थी तो मुझसे कहता, मैं तेरी मदद करता। इसके लिए सुंदर मामा को अहमदाबाद से बुलाकर मुझे परेशान करने की क्या जरूरत थी? क्या? सुंदर को अहमदाबाद से बुलाकर उसे परेशान करने की क्या जरूरत थी बेटा? माय डियर जीजा जी अब मेरी फिक्र मत करो, अब अपनी फिक्र करो, गोकुलधाम खेल महोत्सव में हारने की फिक्र। हारने की मतलब? माय डियर जीजा जी आप तो हर एक गेम में हार ही जाओगे ना। अच्छा ऐसे गलत फहमी आपको क्यों है? माय डियर जीजा जी इतने वजनदार शरीर के साथ आप कैसे जीत पाओगे? और ये पेट तो देखो। हाँ वीरा सच कह रहा है, थोड़ा सच कह रहा है। बस तुम भाई बहन मुझे समझते क्या हो? अरे ये थोड़ा पेट तो तंदुरुस्ती की निशानी है, और खेल में वही जीतता है जो तंदुरुस्त होता है। माय डियर जीजा जी आप मेरी बहना की नाक कटवाओगे, मैं तो कहता हूँ कि आप खेल में हिस्सा ही मत लो। एक काम करो अच्छा सा बहाना ढूंढ कर गेम में से निकल जाओ। बस मैं कोई बाउंस चेक नहीं हूँ जो ना चलो। जेठालाल चंपकलाल गड्ढा वो डीडी है। डीडी? डीडी डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट डीडी समझ गए। वो डिमांड ड्राफ्ट वो डीडी है जो कहीं भी चल सकता है। वाह यही जोश आप खेल के मैदान में दिखाना। ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा का जोश कोई सोडा का उभार नहीं है, ये तो नागरा ध्वज जैसा है जो अविरत हमेशा बहता ही रहता है बहता ही रहता है बहता ही रहता है। ये ध्वज इधर ही बेहतर रहेगा कि दुकान भी जाएगा? नहीं बापूजी आज दुकान हटुका का संभालेंगे, मैं गोकुलधाम खेल महोत्सव जीतने की तैयारी करूंगा। Yeah.
अरे सुंदर मुझे समझता क्या है, मैं कोई गेम जीत नहीं सकता। अरे चल चल, अरे गेम जीत के बताऊंगा, लेकिन कहीं उसकी बात सच हो गई तो जिंदगी भर मुझे ताना सुनाएगा। नहीं नहीं, मैं हर एक गेम इतनी जोरदार खेलूंगा कि यह गोकुलधाम खेल महोत्सव जेठालाल खेल महोत्सव बन जाएगा। जोरदार खेल खेलने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस करूं कैसे? कौन सी गेम हो तो टप्पू ने बताया नहीं। एक काम करता हूँ, गार्डन में दौड़ता हूँ, दौड़ने से बदन में स्फूर्ति रहेगी और स्फूर्ति रहेगी तो कोई भी गेम में यूं आसानी से जीत सकता हूँ। यस, स्फूर्ति दौड़। अय्यर भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं दोनों? जेठा लाल, ट्रैक सूट पहनकर गार्डन में कोई क्या कर सकता है? ले, अरे बहुत कुछ कर सकता है। इधर बेंच पे बैठ सकता है, लेट सकता है, लेटे लेटे पेपर पढ़ सकता है, इधर योगा कर सकता है, ये फूल जड़ को पानी दे सकता है, टाइम पास कर सकता है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। अय्यर मजाक कर रहे? बहुत मजाक क्या स्वभाव है नहीं इनका, घर पे भी पूरा दिन ऐसे ही मजाक करते रहते। मैंने कहा था ना जेठालाल टाइम पास करने आए। नहीं नहीं वो पिताजी, मैं तो टाइम पास करने नहीं आया हूँ। वो आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में खेल महोत्सव है ना, तो उसके लिए आज जरा कसरत करने आया हूँ। जेठालाल, एक दिन की प्रैक्टिस से फर्क पड़ेगा? अगर आप पर पड़ सकता है तो मुझ पर क्यों नहीं पड़ सकता बबीता जी? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। जेठालाल, हम लोग रोज यहाँ पर एक्सरसाइज करने आते हैं। वैसे जेठा जी, टप्पू सर ने पूरा खेल महोत्सव आयोजन करके बहुत अच्छा सोचा है ना? बहुत ही अच्छा सोचा है बबीता जी, बहुत ही अच्छा। और क्या बात पकड़ी है आपने, इससे क्या है कि जीवन में रोमांस बढ़ता है। रोमांच, रोमांच, आपने क्या सुना? कुछ नहीं। और दूसरा क्या बबीता जी, इससे बदन में स्फूर्ति रहती है और जीवन के खेल में एक वो वॉचमैन स्पिरिट आती है। हाँ? खेल दिली? You mean sportsman spirit, right? हाँ, वही वही। Yes. मैं छोटा था ना। जेठालाल, ये वक्त टाइम पास करने का नहीं है, एक्सरसाइज करने का है। तुम एक्सरसाइज करो। और आप लोग? हमारा एक्सरसाइज हो गया है और हम घर जा रहे हैं। अरे अभी अभी तो है, इतने में एक्सरसाइज कसरत हो गई? जेठालाल, तुम अभी आयो, हम लोग कब से यहाँ पर है। चलो अभी। ओके जेठा जी, बाय, यू कैरी ऑन। ओके, अरे क्या कर, बाय। ये सुंदर और अय्यर दोनों का आज बताना पड़ेगा, ये गोकुलधाम खेल महोत्सव नहीं है, ये जेठालाल खेल महोत्सव है। हाँ, बोला, कौन से गेम की प्रैक्टिस कर? ओहो, अभी तक आप कंप्यूटर पे बैठे हो? खेल जीतने की कोई तैयारी नहीं करनी है? गोकुलधाम खेल महोत्सव आज से शुरू हो रहा है मिस्टर। वही तो कर रहा हूँ मिसेस। गोकुलधाम खेल महोत्सव में कंप्यूटर गेम नहीं खेले जाएंगे मतलब? मुझे पता है माधुरी, लेकिन खेल महोत्सव की तैयारी में कंप्यूटर भी कर रहा हूँ। खेल की तैयारी कंप्यूटर पे? यस माधवी, टप्पू सेना ने भले हमें ना बताया कि कौन कौन सी गेम्स होंगी, लेकिन गोकुलधाम खेल महोत्सव मतलब क्या? थोड़ा क्या मिनी ओलंपिक्स, और ओलंपिक्स में कौन कौन सी गेम्स होती है उसकी सारी डिटेल्स मैंने कंप्यूटर से ले रखी है। वाह, छान डोका। थैंक यू, तारीफ करने के लिए थैंक यू वेरी मच। तारीफ नहीं कर रही हूँ मैं। अहो, ओलंपिक में कितनी सारी गेम है, सभी गेम की प्रैक्टिस एक दिन में कैसे कर पाएंगे हम लोग? बाली के वो सारे गेम्स की प्रैक्टिस करनी नहीं है हमें, ये एक शिक्षक का प्लानिंग है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। नहीं नहीं,
आप ही यूज करो। माधवी, गोकुलधाम खेल महोत्सव कहाँ होने वाला है? गोकुलधाम के कंपाउंड में। अभी गोकुलधाम के कंपाउंड में मैराथन नहीं हो सकती, 800 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर दौड़ नहीं हो सकती, भाला फेंक, गोला फेंक नहीं हो सकता, कुश्ती बॉक्सिंग नहीं हो सकती, स्विमिंग तो हो ही नहीं सकती। वाह, इतनी देर से आप कंप्यूटर पे बैठे हो और आपने ढूंढा क्या? नहीं हो सकने वाली गेम। हो सकने वाली गेम का क्या? वो भी तो है ना। तो बताइए ना। अब बताता हूँ ना, वेट लिफ्टिंग, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, आर्चरी। अचर सका आचार? आचार नहीं का, आर्चरी। आर्चरी, आर्चरी म्हणजे धनुष बाण, नेमबाजी। हाँ, मस्त गेम है तो। हाँ, लेकिन अभी किस खेल की प्रैक्टिस करें? जी कैम यानी गोकुलधाम खेल महोत्सव प्रारंभ होने से पहले एक नया खेल शुरू हो गया है गोकुलधाम में, भूल भुलैया का खेल। जिस तरह भूल भुलैया में आप तय नहीं कर पाते कि किस तरफ जाना है, बस अंदाजे से काम चलाते हैं, ठीक वैसे ही गोकुलधाम के निवासी अभी अंदाजे से काम चला रहे हैं कि किस खेल की तैयारी करनी है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि कौन से खेल होने वाले। लेकिन आप तैयारी जीवन में किसी और चीज की करते हैं और हो कुछ और जाता है, प्लानिंग किसी और चीज की, निकल कुछ और जाता है। भाई यहाँ क्या होने वाला है ये तो अभी शायद टप्पू सेना जानती हो, क्योंकि उन्होंने किया ये शानदार आयोजन, और टप्पू सेना का आयोजन शानदार होने वाला, और अब उनकी मदद के लिए सुंदर मामा भी पहुंच गए। तो सोचिए कि कौन कौन से खेल होंगे और खेलों की तैयारी में क्या क्या खेल होंगे गोकुलधाम में, और इन खेल को किस तरह से खेलेंगे गोकुलधाम के निवासी। लेकिन हंसी खेल हमेशा चलता रहेगा आपके घरों में, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रोशन मेरी जान, मेरी सोनिया, मेरी मकड़ा, मेरी चन, ओए जल्दी आ। हो खुदाई आए बड़ो सोचे। ओए सोनिए, गोकुलधाम खेल महोत्सव में खेल खेलने की तैयारी, यानी कि टेबल टेनिस। अरे वाह, तुझे पता चल गया कि जीकेएम में टेबल टेनिस होने वाला है? ओ यार पता तो नहीं चला, मेरा दिल कहता है कि ये गेम इस खेल महोत्सव में जरूर खेला जाएगा, और मेरे दिमाग ने मुझे दवाई दे दिया कि टेबल टेनिस का गेम जरूर 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 होगा। वो कैसे? मेरे पास इस बात के दो हिंट है। अच्छा, दूसरा वाला हिंट बोल। है? अरे पहले पहला वाला तो पूछ। पर दूसरा पूछा तो कोई प्रॉब्लम है क्या बाबा? कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा। अच्छा सुन, तो तेरे को याद है टप्पू सेना ने गोकुलधाम खेल महोत्सव की जब बात की थी तो ओलंपिक्स गेम्स की बात की थी? अरे हाँ, ओलंपिक गेम्स की तो बात की थी, और ओलंपिक गेम में टेबल टेनिस का गेम जरूर होता है। अच्छा समझ गई। वो ऐसे कैसे समझ गई? पहला वाला हिंट तो बताया नहीं। अच्छा पहला वाला हिंट बोल। हाँ, वो तेरे को मालूम है ना, वो टप्पू सेना जो है वो क्लब हाउस में रोज टेबल टेनिस खेलने जाती है ना। मुझे दो ही हिंट पता है। नहीं नहीं, समझ गई समझ गई। टप्पू सेना रोज क्लब हाउस में टेबल टेनिस खेलने जाती है, इसका मतलब जीकेएम में टेबल टेनिस जरूर होगा। बिल्कुल लकी सोनी, तू तो समझ गई। और जल्दी कर, हमारे पास सिर्फ शाम तक का वक्त है, चला फटाफट प्रैक्टिस कर ले। आला पारा यार, आजा आजा, हम कहीं जीतना है। गोकुलधाम में खेल महोत्सव होने वाला है ना कि खाने का कंपटीशन? पता है कोमल, लेकिन क्या है ना, फल खाने से शरीर को प्रोटीन्स और विटामिन मिलते हैं, और प्रोटीन और विटामिन से शरीर में ताजगी रहती है। यस। और ताजगी से शरीर में स्फूर्ति पैदा होती है। यस। और स्फूर्ति हो तो खेल जीतने में आसानी होती है, क्यों? सही बात है कि नहीं? 100% सही बात है हंस, जीतने के लिए स्फूर्ति तो होनी चाहिए ही चाहिए। करेक्ट, और उस स्फूर्ति के लिए फल खाने चाहिए। तो जाओ थोड़े से और फल लेके आओ, साथ में दोनों बैठ के खाएंगे। ये लो। अरे वाह, तुम्हें पहले से लेके तैयार हो, क्या बात है। अरे ये कैसा फल है? ये तो प्लास्टिक का बॉल है। करेक्ट, स्फूर्ति के लिए फल के साथ साथ कसरत की भी जरूरत होती है, और इससे तुम कसरत करो। पर इतने हल्के बॉल से ऐसे ऐसे कसरत करूंगा? हंस। अच्छा अच्छा, तो कैच कैच खेलेंगे? नो नो नो, उससे भी सिंपल, मैं सारे बॉल जमीन पर फेंक दूंगी, तुम एक एक करके उठा के दे देना। अरे पर जब उठाने ही है तो फेंक क्यों रही हो? हंस मैं तुम्हारी कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी,
तुम्हें ये कसरत करनी ही होगी, पर वरना खाना बंद। अच्छा देखो चलो उठो पकड़ो। हाँ उठा उठा चलो उठा चलो कम ऑन। ओ मेरे लेखक महोदय, खेल में पारंगत होने के लिए सिर्फ शारीरिक व्यायाम जरूरी नहीं है, उसके लिए खेल की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओहो अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है जीतने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारी एटीएम। तारक लोग तो कहते हैं, पर जब आप इतने प्यार से मुझे एटीएम कह के बुलाते हो ना, अंजलि तारक मेहता, तब बहुत प्यारा लगता है। नहीं नहीं करेक्ट योरसेल्फ, ये एटीएम अंजलि तारक मेहता नहीं है, ये है ऑल टाइम मुसीबत। क्या मैं आपके लिए ऑल टाइम मुसीबत हूँ? अरे नहीं अंजलि, तुम्हारे लिए मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि तुम मुसीबत हो। असल में मैं सर करेले के जूस के लिए कर रहा हूँ, मेरे हमेशा की मुसीबत है ये करेले का जूस। तारक आपको पता है मेरे इस कड़वे करेले के जूस के कारण ही आप इतने चुस्त और तंदुरुस्त है। अच्छा भाई करेले का जूस पीना कितना हिम्मत का काम है, मुझसे पूछो, मैं पीता हूँ तुम नहीं। अच्छा एक काम करते पीऊंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम पियोगी तो मैं ये जूस पियूंगा, जितने ग्लास तुम पियोगी उतना ग्लास पियूंगा। सच? फंस गए तारक, मुझसे कंपटीशन मत करो, बचपन से पीती आ रही हूँ इसलिए तो इतनी खूबसूरत हूँ। ओके जितना मैं पियूंगी उतना आप पियोगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। हमारे गुजराती में एक कहावत है, कड़वा करेला ना गुण न होई कड़वा। चलिए अभी आपकी बारी। आपकी बारी का क्या मतलब अंजलि, ऐसे थोड़ी होता है यार, तुम तो पी गई गटागट गटागट। तारक नो चीटिंग। हाँ नहीं नहीं अंजलि, तारक अंजलि मेंस वोट। अंजलि 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 मैंने पहले ही कहा था आपसे मुझसे पंगा मत लीजिए। अगर करेले का जूस पीने का कोई गेम होता ना तो सारे मेडल मेरे ही घर में आने थे। सच बताओ मुझे विश्वास है इस बात पे। चलिए तारक अब ये बातें बातें खत्म करके खेल की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अरे प्रैक्टिस कर तो ले, पर किस खेल की करें, पता ही नहीं है कौन से खेल रखे। हाँ ये बात तो है तारक, ये टपू सेना ने हमें कंफ्यूज कर दिया है कौन सा खेल है वो ना बताकर। मुझे लगता है भारोत्तोलन तो जरूर रखा होगा। कौन सा तोलन? अंजलि तुम लोगों की हिंदी भी ना भाई, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग। ओहो तारक आप भी ना वेट लिफ्टिंग बोलो ना, पर इसकी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास घर में डंबल तो है नहीं। एक तरीका मेरे पास। कौन सा? अरे अरे बबल बबल आपको उठा रहे, मुझे बोलने से मैं उठा लेता। ये क्या? थैंक यू। ये तो आधा भरा हुआ है। हाँ तो इसे बदलने क्यों जा रहे हो? अरे भाई बदलने नहीं जा रहा हूँ, गोकुलधाम खेल महोत्सव है ना उसके लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। खाना बनाने की प्रैक्टिस? तो उस स्टॉक का है? अरे ए लालटेन मैं खाने की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, वो वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो घर पे जाके करने का, सीढ़ी पे क्यों कर रहे हो? अरे अब्दुल पहले मैंने वही सोचा था लेकिन फिर आइडिया कैंसिल कर दी। क्यों? तो क्या है ना मैं ठहरा अकेला आदमी, अभी मैं घर पे प्रैक्टिस करूंगा, सिलेंडर इधर उधर हुआ, बैलेंस गया मेरा और मैं गिर गया तो मुझे बचाने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। क्या? नहीं बोलो। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं अगर सीढ़ियों के ऊपर प्रैक्टिस करूंगा और अगर मेरा बैलेंस इधर उधर हुआ, सिलेंडर गिरा या मैं गिरा तो पूरी सोसाइटी आएगी ना मुझे बचाने। आएगी? क्या? आएगी आएगी जरूर आएगी। बड़े पते की बात है, चाय की पत्ती। थैंक यू थैंक यू। बाबूजी क्या हो रहा है आपका? अरे सांस फूल रही है आपकी बाबूजी, क्या हुआ? क्या हो रहा था बाबूजी? अरे मुझे कुछ नहीं हो रहा था, मैं योगा कर रहा था। ओ,
मुझे तो लगा आपकी तबीयत बिगड़ गई बाबूजी। मेरी तबीयत नहीं बिगड़ गई है, तेरी आंखें बिगड़ गई है। कुछ अच्छा करना चाहूं तो भी आपकी डांट पड़ती है। करूं तो मैं क्या करूं? तू कुछ मत कर बापूजी। अभी शांति रख, मुझे प्राणायाम करने दे। प्राणायाम से क्या होता है बापूजी? किसी भी खेल में सांस पे काबू रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए प्राणायाम कर रहा हूँ। सांस पे काबू, तो बापूजी मुझे भी सिखाइए ना प्राणायाम। चल चल अबे, तू अपना देख। क्या इतना क्या हंस रही है तू? एक मिनट फोन चालू रखो, आप सुनोगे ना तो आप भी हंस पड़ोगे। अच्छा तो सुनाओ। माने आपको नया नाम रखा है। मत सुनाओ। ठीक है, माने आपको नया नाम रखा है, पदक। पदक? गोकुल धाम खेल महोत्सव पदक। तो इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है? अच्छा मैं फोन रखती हूँ। अच्छा तो आप क्या पूछ रहे थे, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? मैं समझाती हूँ। नहीं समझना मुझे कुछ। क्या आप भी? देखिए आप जरा हंसता हुआ नूरानी चेहरा रखिए। आप ऐसे गुस्से वाला चेहरा रखेंगे ना तो आप कोई भी खेल में जीत नहीं पाओगे। तू और तेरा वीरा सुंदर, तुम दोनों मुझे जीरो ही समझते हो नहीं? लेकिन याद रखना दया, बचपन से मैं हीरो था, हीरो हूँ और हमेशा हीरो रहूंगा। वाह मेरे हीरो। तू देखना दया, आज हर खेल में इतना जोरदार खेलूंगा कि आज का गोकुलधाम खेल महोत्सव जेठालाल खेल महोत्सव बन जाएगा। वाह आत्मविश्वास अच्छा है। थैंक यू। लेकिन थोड़ा ज्यादा है। मत भूलिए आपके सामने इस खेल में एक से बढ़कर एक धुरंधर है, और खास करके मेरा वीरा सुंदर। तेरे वीरा सुंदर को तो मेरी तरफ से एक खास स्पेशल संदेशा देना कि भाई सुंदर, तुझे मेरे बेटे टप्पू ने जिस काम के लिए अहमदाबाद से मंगाया है, डेकोरेशन, तू सिर्फ उसी में ध्यान दे, बाकी खेल जीतने का काम मुझ पे छोड़ दे। ऐसे थोड़ी होते हैं, मोबाइल के मैच समझ थोड़े होते हैं, तो होता है क्या? से क्या बोल रहे हैं हम? क्या मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा थोड़ी ना होता है। हो गया। मैं ये कह रही हूँ। अरे भाई तो तुमने बटन किधर करा? बंद कर, बंद कर। हेलो, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? हैं? ये तुझे रोशनी के ग्राउंड पे बिछाने का ऑर्डर दिया था मैंने। अरे भाई सब कुछ अभी ग्राउंड पे बिखरा पड़ा हुआ है, मुझे एक घंटे में सब लाइटिंग रेडी चाहिए। हाँ सिर्फ एक घंटे में। तो भाई फटाफट फोन रखो और फटाफट काम करवाओ। बड़े भाई तैयारी बड़े जोरों में है, जीकेएम बड़ा शानदार होगा इस टाइम। अब्दुल तुम्हारा जीके मुझे गोकुलधाम खेल महोत्सव कम और गोकुलधाम खर्चा महोत्सव ज्यादा लग रहा है। समझते नहीं है यार कितना काम बाकी। सुंदर भाई बैनर आगे। क्या इतना छोटा बैनर लेके आ गया भाई? ऐसे हाथ फैलाने से बैनर बड़ा हो जाता है। ये बजट बढ़ाने वाला है। ए सुंदर मजाक हो रहा है शिवर भाई, आप एक काम करो इससे डबल साइज के दो बैनर बनवा के लेके आओ जाओ। अरे एक भी शेवार, शेवार रुको भाई, अरे मस्त बैनर है, आपको पसंद है? अप्रतिम। जाओ शेवार भाई, बीड़े भाई की बालकनी पे लगा दो। और सुनो इससे डबल साइज के दो बैनर बनवा के लेके आओ। शेवार भाई ये कोई मामूली खेल महोत्सव नहीं हो रहा है, ये अपने गोकुल धाम का शानदार खेल महोत्सव हो रहा है, समझ गए ना? चलो फटाफट फटाफट चलो 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 चलो। अरे लेकिन सुंदर आपने मंगेश को फोन किया? मंगेश?
अरे उसको क्यों फोन करूं? ट्यूशन तो अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है ना। अरे आपका ट्यूशन वाला मंगेश नहीं, कुर्सी वाला मंगेश। मैंने आपको बोला था ना कि कुर्सियां मंगवानी है। मंगेश कुर्सी वाले को फोन कर देना। मामा ट्रॉफी वाले का फोन आया, ट्रॉफी रेडी है और रीटा दीदी से भी बात हो गई। बहुत अच्छे। अरे जीकेएम टीवी पर लाइव आने वाला है। अरे तो अब्दुल भाई आप एक काम करो, फटाफट ट्रॉफी वाले के वहाँ जाओ और ट्रॉफी लेके वापिस आ जाओ। और सुनो ये जो स्टेज वाला ना उसको बोल दो कि आधे घंटे में मुझे स्टेज रेडी चाहिए, नहीं तो मैं उसके आधे पैसा काट लूंगा। बस और तैयार कर दिया तो डबल पैसे दूंगा। अरे जल्दी जल्दी करो काम, फटाफट फटाफट तैयार करो। इस बार ऐसी लाइटिंग होनी चाहिए कि रात को एकदम गोकुल धाम चमक उठे। चलो फटाफट। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं रीटा रिपोर्टर कल तक चैनल से यहाँ आए सभी दर्शकों का तहे दिल से गोकुल धाम सोसाइटी में स्वागत करती हूँ। देखिए यहाँ पे कितना रंगीन माहौल है, लोग कितने खुश हैं, सजावट तो देखिए एकदम पागल करने वाली है। यहाँ देखिए लोगों का जोश। अब मजा तो आएगा क्योंकि हर गेम हम जीतेंगे। चलो 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 चलो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक टू यू। वाह क्या बात है। चलिए तारक। क्या तरीका ये? अरे तुमने ट्रैक सूट क्यों पहन लिया भाई? जोश और स्फूर्ति वाले खेल होने वाले हैं ये, औरतों वाले नहीं, स्टैपू और कुकरी कॉम्पिटिशन। तारक जमाना बदल चुका है, हम औरतें आपको हर गेम में हरा सकती हैं। अरे मर्दों का मुकाबला करना इतना आसान नहीं एटीएम। ऑलराइट देन सी यू इन जीकेएम। जीकेएम? भाई फिर क्या ठीक है? अरे नहीं कमाल, मैं वार्म अप कर रहा हूँ। चलो अब। यस यस कमाल। चिंता मत कर दोस्त, आज इतने मेडल जीतूंगा कि तूने कभी जिंदगी में देखे भी नहीं होंगे। दुनिया हिला दूंगा। ए ए आ जा रही हो? पंखा बंद करना भूल गई हूँ। वे मैंने बंद कर दिया है। हमें जीकेएम किसी भी हालत में जीतना, ये याद है ना? मुझे याद है पर आप याद रखना। मुझे तो बिल्कुल याद है। जीएसएस के बाद मेरी नेक्स्ट पदवी होगी जीकेएमडब्ल्यू, मतलब गोकुलधाम संगीत सम्राट के बाद मैं रहूंगा गोकुलधाम खेल महोत्सव विनर। चलो। क्या कर रही है तू? पानी। ओहो मुझे देखते ही पसीना छूट गए। ये तंदुरुस्ती की निशानी है। तंदुरुस्ती की निशानी नहीं, ये सिस्टम की खराबी है। तेरे बॉडी के सिस्टम गई है खड़े, खेल के पहले ही पसीना छूट रहे। कहा है तेरा वीरा, उसका भी यही प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? देखिए हम अहमदाबादी ज्यादा बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। मैदान में आइए तब पता चलेगा कि किसके पसीने छूटते हैं। तो पानी चबा क्यों रही है? माँ के संस्कार। दोस्तों जरा सोचिए, जब इस माहौल में यहाँ इतना जोश है तो जब गोकुलधाम खेल महोत्सव शुरू होगा तो यहाँ पे कितने और रंग भर जाएंगे। हर खेल में होगी कड़ी टक्कर और अब शुरू होने वाला है गोकुलधाम खेल महोत्सव का महायुद्ध। और ये आए हमारे खिलाड़ी। गोकुलधाम खेल महोत्सव में गोकुलधाम सोसाइटी के सारे परिवार हिस्सा लेंगे, यानी कि टकराव होगा माँ बाप और बच्चों के बीच, मुकाबला होगा पति और पत्नी के बीच और कुछ लोग अकेले ही मुकाबला करेंगे। जो भी हो इस खेल में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कौन से खेल आज खेले जाने वाले हैं ये किसी को भी नहीं पता। इसीलिए खिलाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर जितने लोग आए हैं बहुत ही एक्साइटेड हैं। तो चलिए बात करते हैं टप्पू से
सेना से और पूछते हैं आज कौन सबसे ज्यादा मेडल जीतेगा। तो टप्पू क्या लगता है आज इस खेल में सबसे ज्यादा मेडल्स कौन जीतने वाला है? हम पूरी टप्पू से ना मेडल्स के लिए तो खेल ही रहे, लेकिन मेडल से ज्यादा खेल को खेल की तरह खेलेंगे। हाँ। हाँ। और कॉम्पिटिशन तो होगी लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ। तो गोली क्या लगता है आज कौन जीतने वाला है? मैं तो घर से दबा कर खा कर आया हूँ ताकि मैं आज जीत सकूं। अब बात करते हैं सोसाइटी के सेक्रेटरी भिड़े भाई से और पूछते हैं इस खेल महोत्सव के बारे में उनका क्या कहना है। सबसे पहली बात तो बहुत खर्चा हो गया है सोसाइटी का, तो पता नहीं है कब पूरा होगा। माय डियर जीजाजी, मुझे पहले बुला लिया होता ना तो ये सब इंतजाम मैं मुफ्त में करवा देता और सोसाइटी को कुछ कमा के भी देता। बोलो, मैंने इसको बुलाया ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको सबसे ज्यादा मेडल्स कौन जीतेगा? मेरे ख्याल से क्या, मुझे पूरा यकीन है कि सबसे ज्यादा मेडल्स बच्चे ही जीतने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं को मालूम है ना कि कौन से खेल आने वाले हैं। इसका मतलब वो पूरी तैयारी में होंगे। नहीं भाई, फिर तो ये चीटिंग है, चीटिंग, इसको कैंसल करो, कैंसल। ये चुप रहे कैंसल वाली, खेल के बारे में किसी को नहीं पता। तो फिर बापूजी हम लोग खेलेंगे क्या? वो हमारे जज बताएंगे। बापूजी अभी तो बताइए जज है कौन। तो चलिए जानते हैं चाचा जी से कि आज के खेल महोत्सव के जज आखिर है कौन। दोस्तों, इस वक्त देश भर में और देश भर के न्यूज चैनल्स में धरना, प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और यहाँ इस वक्त गोकुल धाम में भी खेल नामक युद्ध की घोषणा हो चुकी है, आर पार के युद्ध की घोषणा। और इस खेल महोत्सव में आप देख रहे हैं कंपाउंड, इस आसमान नुमा कंपाउंड में गोकुल धाम के निवासी यानी बादल टकराएंगे और जब बादल टकराएंगे तो हंगामे की बिजली कड़केगी और जब हंगामे की बिजली कड़केगी दोस्तों तो बरसात होगी हास्य की। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी ये है दोस्तों कि इन खेलों का निर्णायक कौन होगा, जजेस कौन होंगे। भाई, गोकुल धाम के निवासियों को वैसे भी संभालना कोई आसान काम नहीं है और जब खेल महोत्सव होगा तब तो जज कोई ऐसा होना चाहिए जो इन पे सवा शेर हो। अभी प्रश्न ये है कि ये जज कौन होंगे। भाई, ये जानने के लिए आप भी बेताब हैं और मैं भी, लेकिन इसका पता चलेगा कि होंगे कौन जज और ये भी पता चलेगा कि इस खेल महोत्सव में क्या क्या खेल होंगे, कितने धमाके होंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। थोड़ा धीरज रखो, पता चल जाएगा। जेठा भाई, आपको क्या लगता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये खेल महोत्सव में सबसे बड़ा खिलाड़ी नसीब है। नसीब होना जो विजेता बनेगा, कमाल है यार, हमारी सोसाइटी में कोई नया बंदा आ गया, हमको पता ही नहीं। अरे नहीं नहीं भाई छोटी, नसीब मतलब किस्मत। ओ जेठा ब्रा, ओ पता ही यार, ओ मैं मजाक कर रहा हूँ। एक बात, मैं कह रहा था कि सबसे बड़ा खिलाड़ी नसीब है क्योंकि देखिए सारा दामोदर इस बात पे है कि कौन से खेल हमें खेलने को मिलते हैं, जो खेल हम जानते हैं, जो हम अच्छी तरह से खेल सकते हैं। अगर ऐसे खेल आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से जीत सकते। लेकिन अगर ऐसे खेल आए कि जो हमको पता ही नहीं है तो फिर अब यह टाइम पे सीखने कहाँ जाएंगे, तो टेंशन है ना भाई। मेरा फड्डा तो कुछ अलग ही है, खेल चाहे कोई भी हो, मोती चूर के लड्डू, रसगुल्ले और गुलाब जामुन तो मैं ही जीतूंगा। लड्डू, ये मिठाई कहाँ से है बीच में? हाँ। मेरा मतलब है गोल्ड मेडल मोती चूर के लड्डू और सिल्वर मेडल रसगुल्ले और ब्रॉन्ज मेडल गुलाब जामुन। मतलब मेडल्स को मिठाई समझूंगा तभी तो जीत पाऊंगा ना। ये देखो, खा खा खा, आखो दिवस खा 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 और सेहत बना बना बना। सोरी भाई, आपको क्या लगता है? अरे ये जो गोकुल धाम खेल महोत्सव का अवार्ड है ना, वो तो मैं ही जीतूंगा। कह रहा मैं तो उस स्पोर्ट्स का, वो अपने ये जो हाथी बनाना ये तो डायरेक्ट ट्रैक और जेटा बना जो है वो है टेम्पो टैक्सी नहीं, पुराना स्कूटर है अपना। और अपने मेहता साहब वो तो है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल स्पोर्ट्स कार से कहाँ जीत पाएगी। अरे सोड़ी, तू रॉकेट को भूल गया है? अरे ये रॉकेट तो पिसड्डी है। अरे भाई सोड़ी, एक बात तो तुझे मालूम ही होगी
कि जो पतंग सबसे ज्यादा ऊपर उड़ती है वही सबसे पहले कटती है। अगर तू खिलाड़ी है तो हम क्या अनाड़ी है? एक मिनट, मेरा का कुछ कहना है। देखिए ये कह लेना, ताकत से नहीं अकल से जीते जाते हैं, और सबसे ज्यादा अकल मेरे पास में, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ। इसलिए मैं ही जीतूंगा। ओ अकल, कभी आईने में देखिए अपनी शक्ल। ओ अय्यर, सबसे ज्यादा अकल मेरे पास है ये कह के आपने सबके सामने जो अपनी अकल का प्रदर्शन किया है उससे ये तो जरूर पता चल गया कि कौन जीतेगा। अय्यर भाई, छाते की कसम, मेडल जीतने के लिए मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाई, हम यहाँ देखने के लिए थोड़ी आए, मेडल के लिए हम भी जान लगा देंगे। हाँ जोश में। मेहता साहब, आपका क्या कहना है? भाई यहाँ लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जीतने के लिए, पर मैं तो यही कहूँगा कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मुंह। तो हमारा अंदाज तो आप खेल के मैदान में देखिएगा, वहाँ पता चल जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने गोकुल धाम वासियों का जोश? चाचा जी, कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं नसीब से जीत सकते हैं, कुछ कहते हैं अकल से जीत सकते हैं, कुछ कहते हैं छाते से, और कुछ को लगता है कि वो ताकत से जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है? देखो, किसी भी खेल में ताकत और अकल से भी ज्यादा जरूरी होती है एकाग्रता, इसलिए जो सबसे ज्यादा एकाग्र रहेगा वही खेल में जीतेगा। चाचा जी ने बहुत ही पते की बात बताई। चलिए अब बात करते हैं गोकुल धाम की स्त्री शक्ति से। रोशन भाभी, आप कुछ बताइए ना, आप जरा टेंशन में लग रही हैं, कुछ बोलिए। आप भी तो, मुझे इस बात का टेंशन हो रहा है कि कौन कौन से गेम्स खेले जाने वाले। बबीता जी, यू नो व्हाट, एग्जाम्स के टाइम पे हमें कैसे टेंशन होती है कि पता नहीं कौन से क्वेश्चंस आने वाले, एग्जैक्टली वैसा टेंशन अभी हो रहा है। But it's a lot of fun. कोमल भाभी, ताकत से खेले जाने वाली हर गेम हम ही जीतेंगे। माधवी भाभी, आप कुछ प्रार्थना कर रही हैं? हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्कूल में जैसे गेम्स होते थे ना, लंगड़ी, खो खो, अगर वैसे गेम्स आ जाए ना तो मैं सबको हराऊंगी। अंजलि भाभी, आपका क्या कहना है? सच बताओ, खेल चाहे जो भी हो, पर हम सबको उसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना चाहिए। मैं खेलूंगी भी और जीतूंगी भी। दया भाभी, आप भी तो कुछ बोलिए। मैं सभी को जीतने के लिए शुभकामनाएं दूंगी। वाओ, क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। बात अभी बाकी है मेरी दोस्त, वो शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि मेरे से जीतना आसान नहीं है, मुझसे जीतने के लिए कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा इन सभी को। क्या बात है। ओ दया, इतना घमंड मत कर। अभी ये मेहता साहब ने बोला, याद है ना, हीरा मुख से ना बोले लाख हमारा मोल। हाँ माय डियर जीते जी, ये घमंड नहीं, ये आत्मविश्वास है मेरी बेना का। बहुत ज्यादा है। मेरी माँ कहती है कि जिनमें आत्मविश्वास हो वो हर बाजी जीत जाता है। क्या बात है। और माँ ने एक गुरु मंत्र भी दिया है, खेलो तो जीतने के लिए। शुरू करें। शर बता अंकल। क्या बात है, मैं आप सभी का आज की इस ऐतिहासिक शाम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की शाम जो गोकुल धाम में एक नई उमंग और नई उत्साह के साथ प्रारंभ होने जा रही है। ऐसी शाम जिस शाम से शुरुआत होगी गोकुल धाम खेल महोत्सव यानी कि जीकेएम की। अब मैं जानता हूं टपू सेना ने जो शानदार आयोजन किया है आप सभी को बेहद पसंद आया होगा, आया कि नहीं? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप सुनो, एकदम चांद लगा दिया। थैंक यू थैंक यू। क्या बात।
बात है, क्या बात है भाई टपू सेना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने बहुत शानदार आयोजन किया है। खेल महोत्सव, खेल हमारे जीवन में बहुत 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 जरूरी है। खेल हमें जोश देते हैं, उमंग देते हैं, उत्साह देते हैं, और खेल हमारी जिंदगी से आलस्य को चलता कर देते हैं। तो आलस्य भगाने के लिए हम खेलेंगे ऐसे ऐसे खेल जिसे खेल के आप सब लोग दांतों तले उंगली दबा देंगे और गोकुलधाम खेल महोत्सव होगा कामयाब। लेकिन इस खेल महोत्सव का प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको मिलाना चाहता हूँ कुछ खास लोगों से। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ उन दो मेहमानों को जो इस खेल में हमारा सहयोग करेंगी, मिस रोजी एंड मिस लूसी, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो मिस लूसी और मिस रोजी हमें इस खेल महोत्सव में सहयोग करेंगी। आइए अब मैं बुलाना चाहता हूं इस मंच पे चंपक चाचा को कि वे यहां आए और हमें इस कार्यक्रम के, इस खेल महोत्सव के जजेस के बारे में बताएं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चंपक चाचा जी का। आइए चाचा जी। जी बापूजी कौन जज कौन है? लेकिन मैं बताता हूँ भाई, वही बताने आया हूँ। आज के हमारे जो निर्णय यानी कि जजेस हैं वो एकदम ईमानदार और निष्पक्ष फैसला करने वाले हैं। जी अरे पर चाचा जी जज है कौन? अरे तुम सब लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हो। अरे चाचा जी पहले मत बुझाइए, बता भी दीजिए कौन है जज। चाचा जी अरे उसमें बताना क्या, तुम सबको मिलवा ही देता हूँ। हाँ जरूर जरूर। हाँ तो गोकुलधाम वासियों तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के गोकुलधाम खेल महोत्सव के दोनों निर्णायक यानी जजेस का। बाबूजी सॉरी लेकिन ये लोग जज नहीं चलेंगे। ये बाबूचा देखिया, ये दोनों हमारी सोसाइटी के नहीं है इसलिए निष्पक्ष फैसला करेंगे। बाबूजी मुझे नहीं लगता मेरे पक्ष में कोई भी निर्णय होगा। करेक्ट करेक्ट डिसीजन लिया चाचा जी ने। बाबूजी एक्सक्यूज मी माय डियर रिस्पेक्टेड सेठ जी, I know your concern, but don't take tension. मैं आपके साथ बिल्कुल निष्पक्ष न्याय करूंगा। आज भी हमारे उधय और वडनगर गांव की पंचायत जो फैसला नहीं कर पाती है वो फैसला एक मिनट में ये नटवरलाल प्रभाशंकर उधय वाला फटाक से कर देता है। अरे क्या फेंक रहे नटो काका, कितने टाइम से आप गांव तक गए नहीं फिर फैसला कैसे करते हो? टेक्नोलॉजी माई डियर रिस्पेक्टेड सेठ जी, टेक्नोलॉजी। मैं फोन पर से ही अपना फैसला सुना के न्याय कर देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद अड्डू काका आपके शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए। थैंक यू मेहता जी, थैंक यू। जेठालाल अब हमारे जजेस नटू काका और बाघा ही हैं। चंपक चाचा जी ने इन्हें जजेस बनाया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये निष्पक्ष निर्णय लेंगे और इनका फैसला आखिरी फैसला होगा। मंजूर है। लेकिन अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे सोसाइटी के सबसे सम्माननीय बुजुर्ग श्री चंपक चाचा से कि हमारे खेल महोत्सव की मशाल लेकर उसे वो गंतव्य स्थान तक पहुंचाए, और अनुरोध करता हूँ टपू सेना से कि वो मशाल लेकर आए ताकि इस खेल महोत्सव की एक शानदार शुरुआत की जा सके।
कुलदाम खेल महोत्सव की शानदार शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह ये मशाल प्रज्वलित हुई है, हम लोगों ने गोकुलधाम खेल महोत्सव के प्रारंभ का दीप भी प्रज्वलित कर दिया है। अब इस महोत्सव का शानदार आगाज करने के पहले मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। ये महोत्सव 2 रात्रि का होगा और ये खेल कई तरीके से होंगे। ये पारिवारिक रूप से खेले जाएंगे, व्यक्तिगत रूप से खेले जाएंगे, पति पत्नी के रूप में भी खेले जाएंगे और आखिर में एक स्पेशल गेम होगा जिसकी जानकारी आपको तब ही मिलेगी। और जो भी इस खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसे हम गोकुलधाम खेल रत्न का पुरस्कार भी देंगे। दोस्तों मशाल तो प्रज्वलित हो ही चुकी है और मौसम भी शानदार हो गया है हमारे इस गोकुलधाम खेल महोत्सव के लिए। और मुंबई तो मुंबई है, आप जानते हैं यहाँ बारिश का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी बरस सकती है। लेकिन दोस्तों हम भी गोकुलधाम के निवासी हैं, आप जानते हैं कि गोकुलधाम वाले अगर कुछ करने की ठान लेते हैं तो पीछे नहीं हटते। अब चाहे बादल बरसे या बिजली चमके, गोकुलधाम खेल महोत्सव जारी रहेगा। गोकुलधाम खेल महोत्सव 2011 की शुरुआत हम नींबू चम्मच की दौड़ से करेंगे। बहुत जीता भी है। अरे ये तो आता आता है, बच्चों का खेल है ये। अब्दुल तो नींबू चम्मच से रोज खेलता है। ये खेल आपको व्यक्तिगत तरीके से जीतना होगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल नो दैट कि ये बैलेंस का खेल है। बैलेंस का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही कहा, बैलेंस ही तो फोन भी नहीं कर सकते। सॉरी, अगर आप पति हो तो माँ और पत्नी के बीच में बैलेंस रखना जरूरी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई और खेल के बीच में बैलेंस रखना जरूरी है। और अगर आप नौकरी करते हो तो मेहनत और पगार के बीच में बैलेंस रखना जरूरी है। सट्टो काका, बोलने का मौका मिले तो कब कितना बोलना चाहिए उसका भी बैलेंस रखना आना चाहिए। सेठ जी, वो तो जैसी जिसकी सोच। चुप रहे, तू चुप रहे। जज के साथ कैसे बात करते हैं उसका बैलेंस रखना भी आना चाहिए।
सॉरी सॉरी बापूजी। मुझे सॉरी मत बोल, बागा को सॉरी बोल। इट्स ओके सेठ जी, आज तो सभी खिलाड़ियों का नींबू चम्मच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप सभी को चम्मच में नींबू रख कर वहाँ सामने जो सीमा रेखा है। मैदा साहब कमाल है, आप तो बता रहे थे कि इनका नाम रोजी और लूसी है, पर ये लोग बता रहे हैं कि इनका नाम सीमा और रेखा। इन्होंने नाम बदल दिया, आपको बताया कि नहीं? रोशन नहीं भाई नहीं। अरे सोड़ी तू समझा नहीं मेरे भाई, सीमा रेखा का मतलब है यहाँ पे बाउंड्री लाइन। हाँ अच्छा, क्या है ना शिक्षक साहब, आपको बस मौका मिलना चाहिए तो ये सिखाना शुरू कर देते हैं। और मैं मजाक कर रहा था परा। ओहो छोटी आजकल मजाक बहुत करता है तू। आपको खुश करने की कोशिश करता हूँ। तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ लाइन तक पहुँचने से पहले अगर किसी भी खिलाड़ी का नींबू चम्मच से गिर गया तो वो खिलाड़ी आउट हो जाएगा, समझ गए? अरे भाई हम गोकुलधाम वासी है, हम लोग बचपन से ही समझदार है ना बापू जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी सभी खिलाड़ी सामने जाकर लाइन पर खड़े हो जाइए। चलो चलो। दोस्तों उच्च स्वर में बजते हुए ढोल नगाड़े, बजती हुई तालियां, ये सब दिखा रहे हैं कि गोकुल धाम में उत्साह और उमंग इस वक्त आसमान पे है, चरम पे है। और इसलिए उत्साह है कि ये गोकुल धाम खेल महोत्सव का महासंग्राम प्रारंभ होने ही जा रहा है, बस घड़ी आ चुकी है। ये हंगामे का अश्वमेघ बस दौड़ने ही वाला है, और आप जानते हैं कि जब अश्वमेघ दौड़ता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अब नींबू चम्मच की रेस यहाँ होने वाली है गोकुल धाम में, सारे तैयार हैं। और आप तो जानते हैं कि नींबू एक ऐसी चीज है जो खाने का स्वाद बढ़ा भी देता है और दांत भी खट्टे कर देता है। अब यहाँ ये देखना है किसे मिलता है जीत का स्वाद और किसके दांत खट्टे होते हैं हार से। वैसे एक मसला और भी है, नटू काका और बागा यहाँ पे जजेस बने हुए, अब देखना ये है कि जेठालाल की जिंदगी में वो क्या करने वाले हैं इस खेल महोत्सव में, क्योंकि अब वो अगर जजेस हैं तो भाई हंगामे तो होंगे। अब कितने हंगामे, कितने सारे खेल, और हर खेल के पीछे आपके घर में खूब सारे ठहाके और खूब सारी खुशियां। बस मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.